तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो मेरा ट्रेडिंग सेटअप कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं अलग अलग मोबाइल में अलग अलग कंपनी का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आप में से बहुत सारे बिगिनर भाई लोग, बहुत सारे न्यू ट्रेडर लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि पंकज भाई आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, आप किस ट्रेडिंग सेटअप से पैसे कमाते हो। क्योंकि दोस्तों आप देखते रहते हो कि मैं डेली के डेली प्रॉफिट करता हूं, डेली के डेली वीडियो बनाकर अपलोड करते रहता हूं, जिससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे बिगनर भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, आप किस हिसाब से ट्रेडिंग करते हो और आप कैसे चार्ट देखते हो, कैसे एनालिसिस करते हो, कैसे ऑप्शन चेन देखते हो, तो वो चीज़ हमें बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप कैसा है। दोस्तों देखो, बहुत भारी मेरा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, मेरा छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप है और मैं ज़्यादातर मोबाइल से ही ट्रेड करता हूं। और मेरे पास इस समय, पहले तो 4 मोबाइल थे बट इस समय मेरे पास भाई देखो 5 मोबाइल है और एक मेरे पास लैपटॉप है। तो दिखाऊंगा कि कैसे हम लो बजट में भी अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। जो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर कहते हैं ना कि आपके पास में बड़ा सा स्क्रीन होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो ऐसी बात नहीं है। आपके पास अगर से मोबाइल ही है ना तो काम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने शुरू शुरू में कैसे ट्रेडिंग शुरू किया था और आज कैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूं। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे पास एक ही मोबाइल था और मैं एक ही मोबाइल में चार्ट को भी देखता था और एक मोबाइल में ऑप्शन चेन को उसी में देखता था और उसी से ट्रेड करता था। तो वहाँ पर ना मेरा बहुत ज़्यादा पैसे लॉस होते थे। देखो मैं 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो एक ही दिन में मेरा 5,000 रुपया चला गया था। आपको तो पता है मेरे ट्रेडिंग जर्नी के वीडियो में मैंने बताया कि मैंने एक वेटर की नौकरी करता था और सब्जियाँ वब्जियाँ भी बेचता था। तो वहाँ से जो भी पैसे होते थे ना मैं ट्रेडिंग में लगा देता था और ट्रेडिंग में मेरा पैसा चला जाता था। वो एक ही रीज़न था जो मेरा पैसा जाता था वहाँ पर। पहली तो थी मेरे पास नॉलेज कम थी ट्रेडिंग की, और दूसरी ये थी कि मेरे पास जो ट्रेडिंग सेटअप था वो अच्छा खासा नहीं था, केवल एक मोबाइल था। आप सोचिए कि एक मोबाइल से कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, अगर कर भी पाओगे ना तो वहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। 99% चांस है कि आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। देखो मैं क्या करता था कि जिस मोबाइल में चार्ट को देखता था ना, तो चार्ट को देखा भाई कैंडल स्टिक ऊपर जाती थी तो मैं तुरंत ऑप्शन चेन खोलता था, ऑप्शन चेन में जाता था, बाई करते करते जैसे मैं बाई करता था समझ लीजिए कि वहाँ से चार्ट का कैंडल स्टिक नीचे आ जाता था। तो वहाँ पर प्रॉपर ढंग से मैं चार्ट नहीं देख पा रहा था, क्योंकि एक मोबाइल में आप चार्ट भी देखोगे, ट्रेडिंग भी करोगे, ऑप्शन चेन भी देखोगे तो वो प्रॉपर नहीं होता है। तो धीरे धीरे मैंने एनालाइज किया कि भाई यहाँ पर मेरा जो लॉस हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं मेरे को एक मोबाइल की कमी खल रही है। तो मैंने कुछ घर वालों ने मुझे पैसा दिया, थोड़ा पास बहुत मेरे पास भी पैसे थे, थोड़ा मेरे भाई ने पैसे दिया, तो फैमिली ने बहुत सारा सपोर्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने भाई एक मोबाइल और ले लिया। तो एक मोबाइल में मैं चार्ट देखने लगा और एक में ऑप्शन चेन खोला रहता था, तो चार्ट उसी का देखता था जैसे मैं निफ्टी का चार्ट देखता था, क्योंकि मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो देखो जिसमें आप ट्रेड करो सबसे पहले उसी का चार्ट खोल कर रखो। तो निफ्टी में चार्ट देखने लगा तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगा, ठीक ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत सीख ही लिया था मैं ट्रेडिंग। तो वहाँ पर कभी मार्केट जैसे ऊपर जाती थी तब मैं कॉल ऑप्शन बाई करता था, एंड जब नीचे आती थी तो वहाँ पर मैं पुट ऑप्शन बाई करता था। बट वहाँ पर भी ना मेरा जैसे प्रॉफिट होता था तो उतना बड़ा नहीं हो पाता था, और जब लॉस होता था तो भाई बड़ा हो जाता था। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहाँ पर भी पैसे बन रहे थे बट जा भी रहे थे। तो मुझे ज़रूरत ये थी कि जब मैं ट्रेडिंग में आया हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए आया हूँ, तो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं भाई मेरे पैसे बनने चाहिए। तो वहाँ पर मुझे समझ में आया कि यार निफ्टी का भी चार्ट साथ में देखूँगा तब भी अच्छा रहेगा, उसके अलावा मुझे बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2-3 चार्ट आप जब भी देखोगे ना तभी भाई ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बनेगा। अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो और मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगा भी कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है, ठीक है। तो मैंने एक मोबाइल और लिया, एक में भाई निफ्टी का चार्ट ओपन करने लगा, एक में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने लगा, और एक जो मेरा मोबाइल था तो उसमें ऑप्शन चेन देखता, मार्केट अगर ऊपर जाती थी
तो उस हिसाब से ट्रेड लेता था, नीचे आती थी तो उस हिसाब से ट्रेड लेता था। और हाँ, फिर मैं वहाँ पर ना देखने लगा कि निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और बैंक निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ मिला लेता था ट्रेंड लाइन। तो अगर से जब मार्केट दोनों में सेम रहता था, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम जगह पर रेजिस्टेंस, सेम जगह पर सपोर्ट रहता था, तो जब सपोर्ट से उठता था तो वहाँ पर मैं बाई कर लेता था, ठीक है, और रेजिस्टेंस को छूकर नीचे आता था तो मैं पुट ऑप्शन वहां पर बाई कर लेता था। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे बहुत नॉलेज वहां पर हो गया था, धीरे धीरे मेरा ट्रेडिंग से पैसे बनने लगे। अब दोस्तों, ट्रेडिंग से मुझे अच्छा खासा पैसा बनाना था, थोड़ा बहुत पैसा नहीं, अच्छा खासा पैसा बनाना था। तो दोस्तों, वहां पर ना मुझे एक और स्क्रीन की जरूरत पड़ने लगी, तो वहां पर मैंने एक और मोबाइल खरीदा। तो वहां पर कुल मिलाकर मेरे पास भाई देखो अब 4 मोबाइल हो चुके थे। अब एक मोबाइल मैंने और क्यों खरीदा, तो उसको ध्यान से समझिए। देखो, एक में मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता, एक में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता, और एक में रिलायंस का चार्ट ओपन करता था, ठीक है, और एक में तो ऑप्शन चेन देखता था। तो वहां पर कहीं ना कहीं मेरे पास 4 मोबाइल हो चुके थे, ठीक है। अब 4 मोबाइल होना मेरे लिए भाई बहुत गर्व की बात है। कहां पर एक टाइम पर मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं थे, बाद में मेरे 4 मोबाइल हो गए, और इस टाइम पर तो मेरे 5 मोबाइल है, जो कि मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। तो मेरे पास 5 मोबाइल है भाई, ठीक है, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन 5ों मोबाइल में मैं क्या करता हूं, तो सब कुछ आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। और देखो, ये 4 मोबाइल है, एक से तो वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। तो देखो, एक में निफ्टी का चार्ट देखता था, और निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो वो है भाई रिलायंस। अब इसलिए रिलायंस का भी चार्ट मैं देखता था। जिस हिसाब से रिलायंस प्रदर्शन करती है मार्केट में, अप डाउन करती है, उसी हिसाब से निफ्टी भी अपना प्रदर्शन करती है, ठीक है, निफ्टी भी उसी तरह से ऊपर नीचे होती है। तो बैंक निफ्टी को भी देखता था, और मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी कि यार निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहा हूँ रिलायंस का, तो देखना ही पड़ेगा, साथ में बैंक निफ्टी का भी देखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जैसे बैंक निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, किसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो HDFC की सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ICICI की है, ठीक है, ICICI बैंक। तो मुझे ज़रूरत पड़ने लगी कि यार अगर से मैं इन सब का चार्ट देखूँगा तो भाई मेरा अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो इसलिए मेरे पास अभी के टाइम पर 5 मोबाइल है। एक में ट्रेड करते समय मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया रहता हूँ, एक में रिलायंस का चार्ट ओपन किया रहता हूँ, और एक मोबाइल में भाई मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया रहता हूँ, और एक में HDFC और ICICI का चार्ट ओपन किया रहता हूँ। तो 4 मोबाइल में मैं चार्ट को देखता हूँ, और मेरा जो एक मोबाइल है उसमें 5वें मोबाइल में मैं ऑप्शन चेन को खोल कर रखता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ पर पैसा बनेगा वहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, बाकी लगता है कि साइडवेज है तो साइडवेज में ट्रेड नहीं लेता हूँ, बस वहाँ पर काम भर का पैसा निकाल लेता हूँ, खर्चे पानी का साइडवेज में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। और हाँ, मेरे पास ना एक लैपटॉप है, ठीक है, एक लैपटॉप भी है, वो आसूस का है, जो कि मैं यहाँ पर रख देता था। फिलहाल अभी मेरा दोस्त ले गया उसको, थोड़ा उसको काम था तो उसने मांगा कि यार पंकज भाई मेरे को लैपटॉप की कमी है यार, थोड़ा दे दो। मैंने कहा भाई ले जा, अपना दोस्त ही है ना, ले जा तू, ठीक है। तो वो ले गया है लैपटॉप। तो उस लैपटॉप में क्या मैं करता हूँ ना, उस लैपटॉप में कभी निफ्टी का ही खोल कर रख देता हूँ, कभी बैंक निफ्टी का, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मैं ज़्यादातर जो खोल कर रखता हूँ तो उसको फिन निफ्टी का भी देखना जरूरी रहता है। तो उस लैपटॉप में मैं फिन निफ्टी का खोल कर रखता हूँ चार्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैं ट्रेड करते समय किस किस मोबाइल में क्या क्या चीज़ें खोल कर रखता हूँ। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो मेरा ट्रेडिंग सेटअप कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं अलग अलग मोबाइल में अलग अलग कंपनी का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास कैसा सेटअप है, आपके पास अच्छा होगा तभी आप पैसा बना पाओगे, सिचुएशन के हिसाब से आप चलोगे तो भी अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर रिलायंस का चार्ट ओपन किया हूँ, रिलायंस जिस हिसाब से मूव करता है निफ्टी भी उसी हिसाब से चलता है, तो क्योंकि निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो कंपनी का वेटेज है तो वो है भाई रिलायंस। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैं ओपन किया हूँ, और इस वाले में मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है, और इस वाले में मैं रिलायंस का चार्ट ओपन किया हूँ। और ये जो मोबाइल है ये फ़िलहाल अभी डिस्चार्ज हो गया है, तो इसको अभी चार्ज पर हम लगा देंगे, थोड़ा इसको ज़्यादा चला लिया था।
तो देखो इसमें निफ्टी में मैं यहाँ पर सपोर्ट बनाया हूँ और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनाया हूँ, और इसी हिसाब से मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट बनाया हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और रिलायंस में भी देख सकते हो ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। तो हमें तीन मोबाइल यहाँ पर खोला हूँ ऐसे पता चल जाता है, और जो लैपटॉप है ना वो मेरा फ्रेंड लेकर गया है, नहीं तो मैं भाई लैपटॉप को भी दिखाता, उसमें मैं फिन निफ्टी का चार्ट को ओपन कर देता हूँ। और एक मोबाइल में जिसमें मेरा वीडियो शूट हो रहा है ना, इसमें भी मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि ऑप्शन चेन को ओपन कर देता हूँ या फिर इसमें ऑप्शन चेन को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ये जो मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ ना, इसमें मैं इसी से मोबाइल से क्या करता हूँ कि ऑप्शन चेन ओपन किया रहता हूँ, और इस वाले में HDFC का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब देखो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको रिलायंस का चार्ट को भाई देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निफ्टी में जो वेटेज की कंपनी है भाई वो है रिलायंस, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर समझ लीजिए कि निफ्टी चलती है। और बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आपको ICICI का और HDFC का चार्ट देखना ज़रूरी हो जाता है, और अगर सही माने तो पैसे बनाने के लिए ना आपको हर चीज़ की चार्ट ओपन करके रखना होगा जो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ज़रूरी सबसे ये होता है कि अगर आपको निफ्टी का भी खोलकर रखोगे और बैंक निफ्टी का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पर निफ्टी में जैसे सपोर्ट है तो क्या बैंक निफ्टी में भी इसी जगह पर सपोर्ट है या फिर नहीं है। अगर निफ्टी में यहाँ पर सपोर्ट है और बैंक निफ्टी में नीचे और सपोर्ट है तो समझ लीजिए कि इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट और भी नीचे आएगी, ठीक है। ये जो सपोर्ट है ब्रेक करके इसको और भी नीचे आएगी, तो इस हिसाब से ट्रेड किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी सपोर्ट है और यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी यहीं पर सपोर्ट है और निफ्टी में भी वहीं पर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस दूरी है, तो समझ लीजिए कि भाई अगर मार्केट इधर है इतना दूर पर है तो आएगी सपोर्ट पर, और सपोर्ट पर देखो जैसे टच किए ना तो यहाँ पर ऊपर जाने की यहाँ से चांस है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट किया है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में क्या है कि रेजिस्टेंस के लगभग में पहुँची है मार्केट, और यहाँ पर निफ्टी में देखिए सपोर्ट के लगभग में है। तो यहाँ से हमें क्या निर्णय मिल रहा है कि ये रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी गिरेगी, गिरेगी तो कहाँ पर आएगी, सपोर्ट तक आएगी। और निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट पर तो है ये है, यहाँ से और नीचे ये आएगी, ठीक है, तो निफ्टी टूटेगा। तो मैं कल के वीडियो में जो एनालिसिस करके बताया था तो आपको यही बताया था कि अभी निफ्टी नीचे आ सकती है। तो फिलहाल यही है मेरा ट्रेडिंग सेटअप, लैपटॉप को दोस्त ले गया, नहीं तो उसको भी दिखाता कि कैसे मैं उसको यहाँ पर साइड में यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, लैपटॉप को। और बहुत बार आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ, और इसमें भाई मैं HDFC का ओपन करके रखता हूँ। तो बहुत कुछ खास नहीं है मेरा ट्रेडिंग सेटअप, देखो जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी स्कीम्स आपको चाहिए, जरूरी ये है कि आपके पास क्या है। देखो लेने का भाई मैं बहुत बड़ा बड़ा स्कीम ले सकता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं डेली का डेली अच्छा खासा प्रॉफिट करता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं कई जगह से भी पैसे कमाता हूँ, मेरा अर्निंग का सोर्स भी काफ़ी है, ठीक है। तो लेकिन जब मोबाइल से काम हो रहा है, मोबाइल ज़्यादा जगह भी नहीं छेकता, इसमें सब कुछ अच्छे से मैं देख ले रहा हूँ, तो मुझे बड़ी स्क्रीन्स की ज़रूरत क्या है। अगर आप लोग कहोगे कि यार पंकज भाई बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाओ, देखो बड़ी स्क्रीन से क्या होता है, हाँ आपको थोड़ा दो तीन दिन का चार्ट एक ही में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैं उसमें लैपटॉप में ही देख लेता हूँ, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं बड़ी स्क्रीन्स नहीं लगाता हूँ। तो देखो अगर आपको लो बजट में ट्रेडिंग सेटअप बनाना है तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप टेक्नो का ही मोबाइल ले सकते हो, टेक्नो का मोबाइल खराब नहीं, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ठीक है, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये सिचुएशन के हिसाब से मैं लिया था। तो देखो अभी क्या है कि आपके पास पहले एक मोबाइल होगा तो एक मोबाइल से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, कम से कम दो मोबाइल चाहिए, क्योंकि एक में अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में एक चार्ट देखिए और एक मोबाइल में आप भाई क्या कीजिए कि ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप बैंक निफ्टी में चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना जरूरी है और एक मोबाइल में आपको ऑप्शन चेन ओपन करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास दो तीन मोबाइल होंगे, ठीक है, तीन मोबाइल अगर होंगे तो और भी बढ़िया है, क्योंकि एक में भाई आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए, एक में आप बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए, दोनों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए,
तो देखो वहां पर पैसे बनने के जो चांस होते हैं अच्छा खासा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है। बहुत बड़ा नहीं है भाई, और अगर ऐसे ही ट्रेडिंग सेटअप आपको भी बनाना है तो कमेंट करके बताइएगा, और आपके पास कैसा ट्रेडिंग सेटअप है वो भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, और अपने पंकज भाई को सपोर्ट करने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।